न मेरा रोने में विश्वास है, न रुलाने में विश्वास है, मुझे आगे चलाने में विश्वास है। मोदी सरकार 2.0 का कार्यकाल आरंभ हो चुका है। पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के कैबिनेट में कई नए चेहरे को शामिल किया, तो वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर रॉ तक के तमाम सुरक्षा प्रमुखों के पद पर भी कई नए चेहरों को नियुक्त किया। इन नियुक्तियों में एक रोचक संयोग देखने को मिल रहा है। दरअसल अब NIA BSF से लेकर सिविल एविएशन सिक्योरिटी तक में 1984 बैच के IPS अफसरों का दबदबा है। ये संयोग ही है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन अथॉरिटी के प्रमुख 1984 बैच के ही हैं। इनमें से ज्यादातर अधिकारियों को संबंधित बलों और एजेंसियों में DGP के तौर पर तैनात किया गया है। ये सिलसिला 2017 में शुरू हुआ, जब 1984 बैच के असम मेघालय काडर के अधिकारी YC मोदी को सितंबर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। इसके बाद कई अन्य अधिकारी नियुक्त हुए जो 1984 बैच के ही थे। अब इन अधिकारियों को लकी क्लास ऑफ 84 कहा जा रहा है। YC मोदी के बाद जनवरी 2018 में तेलंगाना काडर के सुदीप लखटकिया को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक बनाया गया। इसके 3 महीने बाद ही बिहार काडर के अधिकारी राजेश रंजन को अप्रैल 2018 में CISF का महानिदेशक बनाया गया। CISF के चीफ बनने से पहले वे VSF में विशेष महानिदेशक थे। रजनीकांत मिश्रा से अस्थाना तक लकी बैच 1984 का ये सिलसिला आगे भी जारी रहा और 5 महीने बाद 1984 बैच के UP काडर के अधिकारी रजनीकांत मिश्रा को BSF चीफ नियुक्त किया गया। मिश्रा के बाद हरियाणा काडर के अधिकारी SS देशवाल को इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का चीफ बनाया गया। जनवरी में गुजरात काडर के अधिकारी राकेश अस्थाना को उड्डयन सुरक्षा निदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया। 1984 बैच के अफसरों का ये लक बुधवार को एक बार फिर नजर आया, जब पीएम मोदी ने सामंत गोयल को रॉ का चीफ बनाया और उनके ही बैच में अरविंद कुमार को IB का निदेशक नियुक्त किया।